धीरे धीरे हमारी ये सारी चीजें थालिया से गायब होती है। घर में शायद बनाना भी तो नहीं आता होगा कई बड़ी बार। आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको तो दुनिया ने अपनाना शुरू किया। गेहूं, धान और मक्के को तो हम सभी जानते हैं, जिसे हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भारतीय आहार का एक अभिन्न हिस्सा आज के दौर में हमारे खाने के प्लेट से गायब हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। मैं नेहा बंसल और आप देख रहे हैं एकल भारत। तो आज हम स्वस्थ भारत में चर्चा करेंगे मिलेट से होने वाले फायदों के बारे में। इसे हम मोटा अनाज भी बोलते हैं। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू जैसे अनाजों को शामिल किया जाता है। एक समय था जब हर थाली में ज्यादातर मोटे अनाज से बने हुए व्यंजन ही हुआ करते थे, लेकिन अब लोग मुश्किल से ही हेल्दी डाइट में इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने कार्यक्रम में कहा था कि आजकल के लोग मिलेट्स को भूल चुके हैं। आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, कुछ लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होंगे, ऐसे अनेक अनाज पहले हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, खान पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, हम लोग आउटडेटेड लगने लगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड है। आजकल जब हम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर जाते हैं तो अक्सर हैरान हो जाते हैं, जिस अनाज को कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था वो सैकड़ों रुपए किलो के हिसाब से आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं। मोटा अनाज बहुत से गुणों से भरपूर होता है। ये ज्यादातर ग्लूटेन फ्री होने के साथ साथ मिनरल, विटामिन, एंजाइम और इनसॉल्युबल फाइबर जैसे पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। इसके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से मोटे अनाज के उत्पादन की अपील करते हुए इससे होने वाले फायदों के बारे में बताया है। मिलेट्स में भरपूर प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। कई लोग तो इसे सुपर फूड भी बोलते हैं। मिलेट से एक नहीं अनेक लाभ है। ओबेसिटी को कम करने के साथ ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड डिसीज के खतरे को भी कम करते हैं। इसके साथ ही ये पेट और लीवर की बीमारियों से बचाव में भी मददगार है। थोड़ी देर पहले ही हमने कुपोषण के बारे में बात की है। कुपोषण से लड़ने में भी मिलेट्स काफी लाभदायक हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी से भी भरे होते हैं। बता दें कि मोटे अनाज से बना खाना सर्दियों में शरीर को गर्म रखने का काम भी करता है। इससे सर्दी, जुखाम और ठंड से रक्षा होती है। साथ ही ये शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं, क्योंकि ये अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं। मोटे अनाज की आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है। ऐसे में एकल आरोग्य योजना लोगों को बीमारियों से बचने और लड़ने के बारे में शिक्षा देती है। एकल आरोग्य योजना समाज कल्याण के लिए सदैव तत्पर है।